तो फिर ये फैमिली स्टोन एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का तीसरा एपिसोड। और इन केस मेरे भाई आपने इसका पहला दो एपिसोड मिस कर दिया, तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों ही एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने दोनों में से कोई भी एपिसोड मिस किए तो पहले उन दोनों को देख लेना, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक की जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टकार साइला के साथ मिलकर वेंजा के लोगों के लिए गांव बसाने लगा है, और क्योंकि टकार के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी जानवर को कंट्रोल में कर सकता है, तो इसकी ऐसी जादुई पावर को देखने के लिए दूर दूर से वेंजा के लोग यहाँ आकर गांव में रहने लगे। पर खुशहाली का क्या है ना कि ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। नरभक्षी उदम और उनका लीडर उल लास्ट एपिसोड में इनके गांव में आ गए, और उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग यहाँ से भागते नहीं हो तो एक एक करके तुम लोगों को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं। और हालांकि टकार ने गांव को बचा लिया, लेकिन उदम के वॉरियर से फाइट करने में बहुत सारे वेंजा के लोगों की मौत हो गई। और इसी वजह से साइला ने बोला कि जब तक इनका लीडर उल जिंदा रहेगा ना, तब तक वो किसी भी वेंजा को शांति से नहीं रहने देगा। और टकार ने वादा कर दिया कि वो इस उल को मार के रहेगा। और इससे पहले उदम वॉरियर्स गांव पे एक बार फिर से हमला करे, गांव की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए आज के एपिसोड में टकार ऐसे चार वेंजा को ढूंढ के गांव में लाए गए जिनके पास अलग अलग टैलेंट है। तो चलिए फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट किया जाए। और फेल आर्मी बस इस वाले एपिसोड पे भी ना बस लाइक करके 7K जल्दी से कंप्लीट कर देना है। और फिर देख रहे हो ना, डेली टाइमली वीडियो आ रहा है, इसी तरह जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो जैसा साइला ने बताया कि तीन अलग अलग वेंजा है जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है और उनको इस गांव के बारे में नहीं पता है, और इन तीनों को किसी भी तरह से ढूंढ के इस गांव में आने के लिए कन्विंस करना है, क्योंकि इनमें से एक को शिकार करना बहुत अच्छे से आता है, एक को हथियार बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो इन तीनों को लाना ही है यहाँ पर। अच्छा मैं अभी बता दे रहा हूँ कि मेन मिशन तो हम लोग करने जा ही रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि जितने भी अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जिनको टीम किया जा सकता है, जैसे कि लेपर्ड, जैगुआर या जो भी है, तो इनमें से ना ज्यादातर को मैं आज टीम कर ही लूंगा, क्यों लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, क्या बोलते हो? अच्छा अभी तक मैंने सिर्फ एक ही जानवर टीम किया है जो कि ये मेरा सफेद भेड़िया, लेकिन आज ये जो लिस्ट है ना इसको फुल कर लेना है, क्योंकि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी बहुत दूर है आई थिंक यहाँ से। ये देखो आ गया मेरा प्यारा भेड़िया, इसका नाम नहीं बताया यार आप लोगों ने, तो एक काम करो आप लोग कोई अच्छा सा नाम जो कि इस पे सूट करे सफेद भेड़िए के ऊपर कमेंट करके मुझे बताना। और ये देख रहे हो जायमा द हंटर है, इनके पास जाना है, काफी दूर है भाई ये। अच्छा इनको ढूंढ के लेते हैं ना, तो ये जो मेरा हंटर विजन है ना उसको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, और काफी दूर है तो इसलिए रास्ते में जो भी अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे ना उनको भी टेम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बस भेड़ियों को कमांड कर दिया कि जाके शिकार करो, मुझे तो अब शिकार करने की जरूरत ही नहीं है। अब सोच के देखो कि जब सेबर टूथ को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, जो स्टार्टिंग एपिसोड में नहीं आया था सेबर टूथ, जो शेर के दांत निकले हुए थे, तो वो उसको जब अपने काबू में कर लूंगा तब भाई जंगल में अपना राज होगा। मैप में मैंने देखा था कि यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल है जिसको मैं टेम कर सकता था, पता नहीं क्या था, भेड़िया ही था क्या? ओ ये इसको भी टीम कर ही लेते हैं। पता है मेरा भेड़िया उसको डरा के भगा दे रहा है। अरे डरा के भगा मत यार, एक एक करके सबको टीम करना है। भेड़िया आराम से तू खड़े रहना। अच्छा पता है भेड़िया को दूर जाने बोल दिया, क्योंकि इसकी वजह से ना कोई जानवर मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा है, तो उसको टीम कैसे करूंगा मैं। चलो ठीक है अब जैसे ही वो खाएगा ना, अरे खा लेना। अच्छा लास्ट एपिसोड में मैंने देख लिया था कि अगर भालू को टेम करने की एबिलिटी को अनलॉक करना है ना, तो कम से कम 5 अलग अलग बीस्ट को टेम करना होगा, तो ये मिला के मेरा 2 हो गया है। 3 अलग अलग बीस्ट को और टेम किया तो भालू को टेम करने की एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। अच्छा ये चीज याद है ना कि लास्ट एपिसोड में बोला गया था कि रात के टाइम में सोच समझ के बाहर निकलना, क्योंकि रात के टाइम जितने भी खतरनाक जानवर है सब आते हैं शिकार करने के लिए। ये सियार या जगली कुत्ता पता नहीं क्या है, लेकिन भाई इतना कम अटैक करेगा तो कैसे मरेगी, बकरी तक इससे मरी नहीं, आदमी लोग को इससे कैसे हमला करवाऊंगा। अच्छा कोई नहीं, ऐसे भी जब बड़े बड़े जानवरों को टेम कर लूंगा तो फिर इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो भाग ही जा रहा है, आ जा वापस आ जा।
अच्छा लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि खाने पीने का लेके बैठ जाओ, उसके बाद ना बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई इतना खून वून दिखाया जा रहा है, हम लोग खाने पीने का लेके बैठे घिन आ गया, मतलब देख नहीं पाए, तो इसलिए भाई कोई खाने पीने का लेके मत बैठना। पर मुझे याद है कि डेड आइलैंड 2 जैसे घिनौने ज़ॉम्बी गेम में बहुत लोग खाते पीते देखते थे, इसलिए मैंने बोला कि खाते पीते देख लो, ये तो मतलब वैसा घिनौना है भी नहीं। अच्छा मैंने ना एक काम किया कि अपने बीस्ट को भगा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ना कोई जानवर मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा, तो उनको टेम कैसे करूंगा। क्यों फीलिंग आ रही है कि मैंने उसको भगा के गलती कर दी, जानवर कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहा है, भाग यहां से। भाई ये टेम करने का मौका दे तब तो मतलब देखते के साथ हमला कर देते हैं, इनको मैं बेट डालूंगा उसके बाद ये खाएंगे तब ना जाके इनको टेम करूंगा, ये एक सेकंड का टाइम नहीं देते हैं। ये देखो फिर आया, लेकिन इस काले भेड़िए को भी टेम करके रखना है, ये भी अपना ऑब्जेक्टिव है। अरे पीछे जा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, अपने बीस्ट को बुलाना ही पड़ेगा वरना ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा भेड़िया, तू मुझे प्रोटेक्शन देते रहे, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा जानवर दिखेगा ना मैं संभाल लूंगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि जायमा के पास हम लोग नहीं जा रहे, तो मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि काफी दूर है अभी भी, लेकिन रास्ते में 2-3 और वाइल्ड एनिमल्स को टीम कर ले देना तो अच्छा होता। अरे रे 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 उत्तम वॉरियर्स, इनको तो मार ही के जाएंगे आगे। तो चलो ठीक है आगे बढ़ते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि लायन लेपर्ड कुछ तो मिल जाए भाई, प्लीज कुछ तो दिख जाना, रात का टाइम है ये सब दिखने चाहिए। मुझे ना एक्चुअली एरिया चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि गेम में एरिया बना के दिया है कि कौन सा जानवर कहाँ मिलेगा। अच्छा ये जो हरी पत्तियां है ना ये बीस्ट को रिवाइव करने में काम आती है, और लकड़ियां तो पता ही आपको। कुल मिला के बात ये ना कि सामान जितना भी कलेक्ट करो इस गेम में कम है, क्योंकि अपने पूरे गांव को भी अपग्रेड करना है और उसके लिए भी चाहिए रिसोर्स। चलो मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंच ही गए, लेकिन अब ओ भाई साहब ये बगल में दौड़ता है भेड़िया काफी खतरनाक लगता है। नहीं अच्छा यहाँ पे कैंप फायर लगा हुआ है, तो सो के दिन में उठे क्या। और ये भाई फाइनली शेर की आवाज आई मुझे, और टकार ने बोला कि वो टीम कर सकता है, तो खाने का फेंकते और देखते हैं। अच्छा लेपर्ड है। अच्छा इससे पहले आप लोग पूछो मैं बता ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नए जानवर को टीम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि पुराने जानवर गायब हो जाएंगे, वो अपनी लिस्ट में जब बुलाऊंगा वो आ जाएंगे मदद करने। तो अपने पास व्हाइट भेड़िया था ही, काले भेड़ियों को भी टीम कर लिया है, बढ़िया। अच्छा देखते हो मेरे साथ जो भी मेरा टीम किया हुआ जानवर घूमता है, अगर कोई दूसरा जानवर आने की कोशिश करेगा ना तो ये डरा के भगा देता है। अच्छा अभी भी देख रहे हो कितने अलग अलग टाइप के जानवरों को टीम करने का ऑप्शन है, ये सब दिखे ही नहीं है ना अभी तक। ये खतरनाक रात भी बस खत्म होने वाली है और हम लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, यानी कि जायमा द हंटर तक। मुझे पता नहीं क्यों बेयर गिल्स वाली आज फीलिंग आ रही है, इतने सारे जानवरों से जो घिरा हुआ हूं मैं। नहीं नहीं अच्छा ही हुआ ये लोग मिल गए, थोड़े अपने भेड़िया का कमाल देखा जाए, भेड़िया अटैक करने स्टार्ट कर।
अच्छा, मुझे शेर की दहाड़ने की भी आवाज आ रही थी। कोई ना कोई लायन शायद आसपास है, शायद। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मेरे साथ भेड़िया है, क्योंकि देख रहे हो ये लोग ग्रुप बना के चलते हैं। मैंने बोला ना आवाज आ रही थी मुझे। सुबह होने से पहले इनको टीम नहीं किया तो चांसेस है कि ये लोग अपने गुफा में जाके छुप जाएंगे। केव लायन, इसको बस खा ले और टीम हो जा प्लीज। कहाँ चला गया? हाय ग्वार दमनाश मार्गम। ओ भाई साहब, आज तो मतलब कुछ ज्यादा ही जानवरों को टेम कर लिया, वो भी एक ही एपिसोड में। बढ़िया, भेड़िया आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा डरा के भगाया ना लायन ने। लायन को देख रहे हो भाई, खतरनाक लग रहा है। एक बार जब सारे जानवर अपने साथ हो जाएंगे तो फिर ये उत्तम वॉरियर्स अपना क्या बिगाड़ लेंगे क्या। चलो ठीक है, देख रहे हो लिस्ट में भरते जा रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा ऐसा है ना कि अब कोई काम करने के लिए रुकेंगे नहीं और डायरेक्ट अब जाके जायमा द हंटर से मिलेंगे। ठीक है, ये आउटपोस्ट के बारे में सिखाने की क्या जरूरत है? गुंडों का अड्डा है, मतलब वही उदम वॉरियर्स का अड्डा होगा, तो उनको मार के खाली करके वहां पर अपना राज कर सकते हैं और फास्ट ट्रेवल अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है भाई। मैं जा रहा हूँ जायमा से मिलने। अच्छा भेड़िए ये सब तो मेरे नजदीक आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। केव लायन मेरे साथ घूम रहा है। एक सेकंड, ये काला वाला, इसको भी टीम करना होगा। हाय ग्वार दमनाश मार्गम। अच्छा ये देख रहे हो, ये रेयर ब्लैक लायन है। आज पता नहीं मैं किसका मुंह देख कर उठा था, इतने सारे जानवर एक साथ मिल गए। काफी लकी फील कर रहा हूं आज मैं। अच्छा बहुत सारे स्किल्स अनलॉक हो गए। एक काम करते हैं ना, वो भालू वाले को अब, हाँ ये देख लो भाई, एपेक्स प्रीडिएटर्स को अब टीम कर सकते हैं, यानी सेबर टू टाइगर और ब्राउन बेयर्स को। तो जायमा तक हम लोग पहुंच ही गए, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत काम कर लिया। अच्छा पता है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 के बाद ये पहला ऐसा गेम मुझे लग रहा है जिसमें साइड ऑब्जेक्टिव करने का मुझे खुद से मन है। बस अभी तक इस गेम में ना मुझे एक चीज की कमी फील हो रही है, किसी भी जानवर के ऊपर बैठ के मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, जबकि थंबनेल में मैंने देखा है कि शेर के ऊपर ये बैठ के ट्रैवल करता है, तो पता नहीं। नी। ये देखो उद्धम वॉरियर आराम से जा रहा है, उस पर शेर से हमला करवा। सही है। भाई मुझे तीर चलाने का मौका तक नहीं दिया लायन ने, पंजा मार के इसको गंजा कर दिया। आ जा भाई, ये आगे पता नहीं कौन चिल्ला रही थी। अच्छा ये इजीला वॉरियर्स के ग्रुप की थी जो आग को कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में सुना था कि इन्होंने भी वेंजर के लोगों पे अटैक किया था, लेकिन आज पहली बार मिले इनसे। ये क्या था, मतलब ऐसे उड़ के क्यों फेंका गए बॉडी, जो भी हो। ये देखो मारते मारते ना इन लोगों को, भाई जायमा से भी आगे निकल गया हम लोग, तेल लेने गए ये लोग। अरे तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ ना अपना काम करो ना जाके।
देख रहे हो कि कोई आदमी लायन लेके घूम रहा अपने साथ, उससे पंगा मत लो। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, जायमा तक हम लोग पहुंच गए फाइनली भाई। पर रास्ते में कोई वेंजा का आदमी भी है जिसे किडनैप करके उद्धम वॉरियर्स ले जा रहे हैं, तो उसकी मदद कर ही देते हैं रास्ते ही में बेचारा। अच्छा पता है, जितने लोगों को मैं बचा के अपने गांव में भेजूंगा ना, बाद में जब उधम वॉरियर से जंग होगी तो ये सब सारे लोग मदद करेंगे। आपा ताविंजा, नु ताइवांका श्लाउता Magis pa de mama foi. Doa sa shwalim har sar kamas. Shi tau gatta. Doa sa shwalim sam harsi. Hars hafchu waidam, kwati salga daicham. Magis wash ta mama fpadi. U kwati salka daish. Aish hars waidatta. Tushi guash. ओ भाई साहब, तो ये जायमा द हंटर और उसके लोग टकार का मजाक उड़ा के चले गए और बोला कि तुम जवान हो, हार्स चंगवाश ठीक है, और काफी हल्ला भी करते हो, और तुम्हारे पैर जो है वो मेहमत की तरह कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और जायमा बताने लगी कि वो एक भालू को ट्रैक कर रही थी और 2 दिन लगे थे उसको ट्रैक करने में, लेकिन टकार ने आके उसको डरा दिया भालू को। तो ये लोग भालू का शिकार करने वाले थे लेकिन टकार की वजह से भालू भाग गया। तो टकार ने बोला कि तुम लोगों को 2 दिन लगे, इतना टाइम लगता है भालू को ट्रैक करने में, मैं जल्दी कर लूंगा और तुम लोगों को सिखा भी दूंगा कि ट्रैक कैसे करते हैं जानवरों को। तो जायमा मजाक उड़ाने लगी, बोली कि ठीक है तुम वेंजा हो और काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जबकि तुम्हारे पैर इतने मेहमत की तरह बड़े हैं, ठीक है चलो हमें सिखाओ कि ट्रैक कैसे करते हैं, तुम ट्रैक करो भालू को। और एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, भालू जब मिल जाए ना तो धीरे धीरे चलना। तो ये मधुमक्खी के शायद भालू खा के गया और टकार बोल रहा है कि काफी भूखा है वो, बस उसका ये जो खून का निशान है ना उसको फॉलो करते रहना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ? हाँ डेफिनेटली गलत जगह जा रहा हूँ, ये खून का निशान नीचे जा रहा है। अच्छा पता है, ये भालू को ट्रैक करने के बाद ना मतलब एक तरह से जायमा को इम्प्रेस भी करना होगा, क्योंकि वो अभी टकार को हल्के में ले रही है, तो अगर उनको इम्प्रेस करता हो तो हो सकता है कि वो फिर गांव चले, वरना वो ऐसे तो नहीं चलने वाली। पता नहीं मेरे पास ऐसी कौन सी पोटली है जिसमें सामान मैं भरे ही जा रहा हूँ, वो पोटली भरती ही नहीं है कभी। भर भी जाती है तो फिर भी समझो ईटा पत्थर रख के मैं घूम रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। खून के निशान इधर भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन इसी को मैं फॉलो करता हूं क्योंकि लाल वाले जो निशान है ना उसी को फॉलो करना है। ये भालू छोड़ो, ऐसे ऐसे जानवर देख रहे भाई, लेकिन जब तक मेरे साथ एक लायन घूम रहा है बाकी कोई हमला नहीं करेगा। अच्छा ये देख रहे हो अभी भी बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं जिनकी स्पीड ताकत और स्टेल्थ ज्यादा है जो कि बचे हुए उनको अभी तक टेम नहीं किया। अरे तू किससे लड़ने लगा? मुझे लगता है ना कि ये जंगली पिग मुझे मारने आ रहा था। एक तो ये पता नहीं गेम अचानक से नेशनल डिस्कवरी चैनल क्यों बन जा रहा है, देख रहे हो? ये लग रहा है कि नेशनल डिस्कवरी चल रहा है। तू हारा। शेरू एक काम करते हैं चलते हैं, क्योंकि अगर जायमा ने भालू को पहले ट्रैक कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, बेइज्जती होगी अलग, और फिर जिस मकसद के साथ आया है ना यानी कि उसको गांव ले जाने, वो तो नहीं आने वाली फिर। ओहो भाई ये गलत हो गया ना, शेर इतना पीछे क्यों रह गया, अरे जल्दी आ जा।
अच्छा अच्छा ये खा के खुद से अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता है, वाह ये ज्यादा सही है। बल्कि मतलब अगर इमरजेंसी में मुझे हेल्थ रिकवर करवानी है तो मैं खिला सकता हूँ, वरना ये खा के अपनी खुराक और अपनी हेल्थ पूरी कर लेगा। अच्छा है ये। पता है ये जायमा ने बहुत बुरी तरह से घायल किया होगा इस भालू को, तब इतने इतने खून के निशान गिरे हुए। लेकिन मैं पता ही क्या सोच रहा हूँ, अगर उसको मतलब मारना कंपलसरी नहीं रहा तो भालू को टेम करने का ऑप्शन तो आ ही गया अपने पास, तो उसको भी काबू में कर लेंगे ताकि मेरी लिस्ट में ऐड हो जाए। तो टकार का कहना है कि भालू को ज्यादा ही तेज हमला करता है। सही बोल रहा है भाई, बस इसी तरह लेकिन आगे बढ़ते रहे। सही जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग। एक मिनट, ये शेर किससे लड़ने में बिजी हो गया भाई, आजा क्या कर रहा है। अच्छा वही मैं सोच रहा था कि इस गेम में अभी तक बंदर नहीं देखा, वो भी देख लिया, जबकि मतलब जंगल में बंदर तो होने ही चाहिए। अच्छा ये जितने भी सामान कलेक्ट कर रहा हूँ ना, ज्यादातर या तो हथियार अपग्रेड करने में काम आएंगे या फिर गांव की जो झोपड़ियां है ना उनको अपग्रेड करने में काम आएंगे, इसलिए लेना जरूरी है। तो टकार ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि मतलब तुरंत मैं ट्रैक कर लूंगा, और ट्रैक कर भी रहा है अच्छे से, क्योंकि इसके पास वो ताकत है जो बाकी सब लोगों के पास नहीं है, हंटर विजन। भाई को नाइट गॉगल्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नाइट गॉगल्स तो इसकी आंखों में फिट है। वाह एक मिनट, यहाँ तो मतलब दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, भालू सही में है भी या फिर मैं मतलब किसको ट्रैक किए जा रहा हूँ, पैर के निशान तो भालू ही के लग रहे हैं। अच्छा, फाइनली दिख ही गया है। मारना जरूरी है क्या, इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं क्या, एक बार बेट फेंक के देखते हैं, अगर खाने लगेगा तो इसको काबू में कर लूंगा। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आया था किल द बेयर पता है, लेकिन मैंने मारा नहीं, मैंने तो मतलब अपना पालतू बना लिया, तो अब क्या किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव फेल कर दिया क्या मैंने, नहीं ऑब्जेक्टिव हट ही गया, ऑब्जेक्टिव हट गया यानी कि मारना जरूरी नहीं था। ठीक है तो अब क्या किया जाए भाई, मैंने गेम को ब्रेक तो नहीं ना कर दिया क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं आ रहा है। इसके आगे क्या होगा, बच गए, कहानी आगे कंटिन्यू हो रही है, देखते क्या होता है। Mama Padina was Sakush Waida. Machita Gwarguanda Chayam. Wantaruai. फिर ये जायमा बिजती करके चली गई कि मेहमत पैर वाले को देखो एक नया दोस्त मिल गया है, तो एक काम करना तुम उसे मिलना, मैं तुम्हें असली शिकारी की तरह शिकार करना सिखाऊंगी, दोस्त बनाना नहीं। ठीक है, जायमा ने बिजती करी, लेकिन अच्छी बात ये कि जायमा गांव चली गई है और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, बहुत बढ़िया। तो ये काम तो हो गया है, लेकिन अभी भी दो स्पेशलिस्ट और है, दोनों को ढूंढ के गांव लेके जाना है, जिसमें से एक बगली में वोगा द क्राफ्टर, यानी कि इनको क्राफ्टिंग अच्छे से आता है, ये ज्यादा दूर नहीं, ये बगली में। बताओ भाई, सोचा था कि भालू अपने साथ घूमेगा, बस भालू भी आएगी। अरे ये क्या है, शार्क है क्या ये, पता नहीं कुछ तो खतरनाक टाइप का दिख रहा। नहीं, ऐसे ही कुछ होगा, मारेगा नहीं ना मुझे। एक सेकंड, ये जो भी था लाल बन गया मैप में और मुझे मारने आ रहा है। ये तो अच्छा है कि मेरे साथ भालू था, इसलिए मुझे मार के भाग गया, वो था क्या, बाद में उसको देखेंगे। आई थिंक कि इसको भी टीम करने का ऑप्शन आया था, इसका नाम लिखा होगा, बाद में देखते हैं, अभी पहले ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं। भालू रखा है साथ में डरा के भगाने के लिए लोगों को, साथ में तैर रहा था क्यूट लग रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी मुझे ऐसे मारने के लिए आया उनको डरा के भगा दिया गया।
अच्छा पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, यूबीसॉफ्ट का इस महीने ना प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम भी आने वाला है, जो कि उस टाइप का नहीं है जैसा हमने बचपन में खेला था, लेकिन मैं ट्राई एक बार जरूर करूंगा, हो सकता है कि पसंद आए। तो उससे पहले ये गेम खत्म करना है। बताओ मैं उधम वॉरियर से लड़ रहा था, पीछे से मुझे लेपर्ड मार के चला गया, क्या फालतू गिरी है। अच्छा ये वेंजाई था, इसको मैं बचा नहीं पाया, कोई बात नहीं। ये किसे, अरे ये बार बार लेपर्ड मारे, अजीब बदतमीज लेपर्ड है, तेरे को जाने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, फालतू गिरी मत कर। बस बस ज्यादा दूर नहीं है, पहुंच ही गए उन तक। तो फेल गेम फैमिली, गेम मेरा क्रैश हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा दूर से नहीं आया हम लोग, वो तो अच्छा है कि ऑटो सेव है गेम में, जहां पर क्रैश हुआ तो वहीं से आया है। मुझे लग रहा था कि इतने लंबे चौड़े भालू को लेके घूमूंगा सब इससे डरेंगे, ये लेपर्ड बार बार इसको मार के चला जा रहा है, क्योंकि तेज है ना, तो एक बार मार के भागने में उसका कुछ जा रहा नहीं है। अच्छा अच्छा मुझे अब समझ में आया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये वेंजा के आदमी को बचा क्यों नहीं पाया था, क्योंकि ये उद्यम वॉरियर्स को जैसे ही लगता है कि कोई वेंजा के आदमी को बचाने आया, पहले ये बंधे हुए आदमी को मारते हैं, और अभी देखा नहीं क्या किया, तो इस वजह से वही मैं सोचूं कि वो मर कैसे गया था। बताओ कोई बात नहीं, साइड का ऑब्जेक्टिव था, जितना हो सके ना इस वर्ल्ड में मुझे फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, चलो नया नया खेल रहे हैं तो इधर उधर जाने में मजा आ रहा है, नई नई चीजें देख रहे हैं, लेकिन गेम के एंड होते होते तक ना तकलीफ देगा इतना दूर दूर आना जाना। अच्छा पर ये भी कि फास्ट ट्रैवल अगर करते हैं ना तो चलो ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वोगा द क्राफ्टर तक ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं, बस बगल ही में। अच्छा इस गेम के साउंड ट्रैक डिपार्टमेंट की मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, चिल्लाने चीखने की जंगल में आवाज आती ही रहती है। अच्छा जैसे जॉम्बी गेम में जॉम्बीज भरे रहते हैं ना, वैसे इस गेम में उद्यम वॉरियर्स भरे हुए हैं, मतलब क्या 1-2 करोड़ उद्यम वॉरियर्स रहते हैं इस पूरे जंगल में। अच्छा ऐसा है कि वोगा की गुफा तक तो पहुंच गए, लेकिन गुफा में एंटर कैसे करें, यहां से छत पे तो नहीं मिलना होगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक ही लग रहा है, नीचे जाना होगा, नीचे डायरेक्ट कूद नहीं सकते, मर जाएंगे, कुछ शॉर्टकट देखते हैं। तो जाने का रास्ता यहीं से दिख रहा है, यहां से कूद के मरना नहीं चाहिए। अच्छा ये क्राफ्टर है तो ऑब्वियसली इनकी गुफा भी काफी कमाल की होगी। अरे गिर कैसे गया? Mawinja! Nay! Musto fi Mawinja! Ah, DJ Shanti, my God, Tagata, Udam Warwai,
तो ये ऐसा सीन है कि मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ कि क्या हुआ। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसने यहाँ पे जाल बिछा के रखा होता ये वोगा द क्राफ्टर ने, और इसको ऐसा लगा कि डकार भी उदम वॉरियर है, और इसको ये गरिया रहा था कि ओ तुम चमड़ा खाने वाले नरभक्षी आदमी, और ये डकार को उदम वॉरियर समझ के ये बोल रहा था कि तुम्हारे लोग मेरा एक हाथ भी खा गया। और ज्यादा नहीं, इसने डकार के ऊपर भर भर के सुसु किया, जो कि ऑब्वियसली मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब ब्लॉक कर देगा वीडियो को। तो इस गुफा से मुझे निकलना होगा और इसको समझाना होगा कि मैं उदम वॉरियर नहीं। तो पहले तो यहाँ से निकलते हैं। ये वोगा द क्राफ्टर मुझे थोड़ा दिमाग से हल्का लगा। तो इस गुफा से निकलने के लिए गुफा के और अंदर जाना होगा ताकि कोई और रास्ता मिले अपने को। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, इस वोगा ने ना टकार को सुसु आदमी बोला है। अजीब अजीब स्पेशलिस्ट लुक मिल रहे भाई। जायमा मजाक उड़ा रही थी टकार का, ये सुसु करके चला गया, अब क्या बचा है। इस डेपर्ट को मैं मारने नहीं चाह रहा, इसको मैं काबू करना चाह रहा हूँ। अगर काबू कर लिया ना तो ये मेरे काम आएगा। बार बार मैं मीट फेंक कर दे रहा हूं लेकिन ये खा ही नहीं रहा है। अच्छा ये जैगवार है, तू इस गुफा से निकलने में मेरी मदद करेगा, याद रखना, मेरे साथ साथ चल। यहां से निकले कैसे? ओ ये कुछ है, अरे ये क्लॉ भाई, तब से हम लोग स्टार्टिंग से देखे जा रहे थे, फाइनली मिल ही गया द ग्रैपलिंग क्लॉ। अब ना पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना आसान होगा, बस ये निशान जहां भी बना रहेगा ना, ठीक है इससे चढ़ सकते हैं ई दबाकर, बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे। अच्छा देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे उदम वॉरियर्स मरे हुए हैं, तो समझ रहे हो ना क्या हुआ होगा। वोगा द क्राफ्टर के पास जो भी ये लोग आए होंगे उस पर हमला करने, तो ये इसी तरह जैसे टकार को नीचे गिरा है इनको भी गिरा देता होगा, और ये लोग इस गुफा में आके मर जाते होंगे लिपट से। लेकिन टकार के पास जानवरों को काबू करने की शक्ति है तो ये तो नहीं मरेगा, ऑब्वियसली हीरो तो कैसे मर जाएगा। अभी ना बहुत सही टाइम है और स्किल्स अनलॉक करने के लिए, देखते हैं और क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा इस स्किल के बाद केव बियर और ये बैजर्स को टीम कर सकते हैं। ये बैजर क्या होता है? ये बावला वोगा पता नहीं कहां गिरा के चला गया है। इस गुफा से हम लोग बाहर जा रहे हैं या राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि मैं गोल गोल घूम के वहीं आ गया हूँ। हाँ यहाँ से आई थिंक जंप करके वहां तक जाना होगा। तो ऐसा है कि यहाँ से ऊपर जाने का तो कुछ है नहीं, तो चलो नीचे ही चलते, और नीचे भी जैगवार्स भरे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक दो भी नहीं, एक साथ तीन तीन है, वाह वोगा वाह, बड़ा सही जगह गिरा है भाई। इनमें से एक को भी काबू कर लिया ना, अपना काम हो जाएगा। तो अब दो बचे हैं और आगे कोई भी खतरा आ सकता है, इसलिए एक को तो काबू कर ही लेते हैं, दोनों को नहीं मारेंगे। हद तेरी भाई, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसके खाने का वेट करना चाहिए था।
बस बस अब दूसरा वाला कहाँ गया, उससे लड़वाता हूँ इसको। तो ऐसा है कि अभी भी ऑब्जेक्टिव वही है कि इस गुफा से बाहर निकलना है। कैसे निकला जाए, कुछ चढ़ने वाले? हाँ ये तो रहा। तो ऐसा है कि घूम फिर के हम लोग वहीं पर आ गए हैं। कुछ ना ऊपर क्लॉव लॉ लगाने का होगा, पहले इन सबको लूट लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ऐसा है ना जैगवार मेरे लाल, मैं निकलता हूं, तू यही रह गुफा के अंदर। बस बस गुफा के मैं बाहर आ ही गया हूं, उसके बाद उस सुसु आदमी को मैं बताता हूं। ये मिशन तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वोगा द हंटर से अभी बात करना है और उनको ये समझाना है कि मैं एक वेंजा हूं, ठीक है? तो वो ज्वाइन करे, ताकि मेन मकसद तो वही है ना यहां आने का। अच्छा नदी के उस किनारे मतलब किसी वेंजा को पकड़ के रखा हुआ है, बहुत दूर जाना पड़ेगा। अभी जाने दो, अभी पहले हम लोग जाएंगे भाई बोगा तक, क्राफ्टर तक, उसके बाद अगर टाइम मिला तो वहां चले जाएंगे। इसने अब कुछ ऐसा वैसा किया ना तो उद्दम वॉरियर्स का पता नहीं, मैं इसको जरूर मार दूंगा। कैसे डर गया ये देखकर। Marwa Palu Guaifash na maita tiwai na maita winja sakwin pasta kala saiwai shashwai hasar urusis palwinja tachis la daisu ma hasar urusis mi bijauda Shash Waidam, Una Tarai, Uwin Jaha Gwaifa. Budaf, my gun. Sashwatsu Daishan Hasar Urusi Sancha. Hi, me. तो वो का बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो सुसु आदमी वाला नाम रखा है ना, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये नाम थोड़ा चेंज करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ऊपर। तो ये वो का बाहर निकल रही थी ये बोलते हुए कि ये गधे उद्दम वॉरियर्स मेरा हाथ खा गए, और ये अचानक से मतलब देखकर डर गए कि ये अभी नीचे गिरा था, ये बाहर कैसे आ गया। पर इन्होंने कैसे पता नहीं, लेकिन सूंघकर ये जान लिया कि ये टकार उद्दम वॉरियर नहीं है, और टकार भी इनको मारने जा रहा था। पर इन्होंने अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखा दिया जो कि हर विंजा के पास होता है, और ये वो का पूछने लगे कि ओ सारे विंजा मरे नहीं है, जिंदा है क्या?
तो टकार ने बोला कि हाँ बहुत सारे विंजर जिंदा है और तुम्हारी तरह पागल नहीं है वो लोग। तो ये बोलने लगे कि मैं पागल नहीं हूँ ठीक है, मेरा बस एक स्क्रू ढीला है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला। तो इनका कहना था कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं विंजर के लोगों की मदद करता हूँ। ये देख रहे हो शाइनी पत्थर, इसका नाम है ब्लड ऑफ ओरूस और ये जो पत्थर है इनसे विंजर के लोगों के लिए मैं स्ट्रॉन्ग हथियार बना सकता हूँ। लेकिन पता नहीं ये कहाँ पर है और मुझसे ये पता नहीं पत्थर छुपते रहता है तो मुझे ये ज्यादा नजर नहीं आता है। तो टकार ने बोला कि ठीक है आप गाँव जाओ जहाँ पर बाकी विंजर रह रहे वहाँ जाके रहो और ये पत्थर मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तो इन्होंने बोले स्मार्ट बॉय और इसी तरह पत्थर ढूंढ कर लाओ तो मैं हथियार बना दूंगा। और इनका कहना था कि सूरज की रोशनी में देखना ये पत्थर चमकते हुए नजर आएगा। तो अभी ये जो ब्लड ऑफ उरूस पत्थर है ये मुझे ढूंढ के लाना है इनके लिए। तो जहाँ मुझे जाना है वो ज्यादा दूर नहीं, ये अच्छी बात है। नहीं नहीं मुझे लग ही रहा था कि उत्तम वॉरियर्स नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई सब ये कहां से आ गया? जैगवर जैगवर वापस आ जा, मारना नहीं चाह रहा हूँ मैं उसको, लेकिन जैसे से रात होगी ना ऐसे से और जानवर आने लगेंगे। तो जल्दी से ब्लड ऑफ उरूस ढूंढ रहे, ये देखो फिर आ गया। अरे खा ले, अरे मार दिया उसको। अरे मारा क्यों उसको यार, मारने की जरूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही किया वरना ये आ ही रहा था मुझे मारने। तो उस चमकदार पत्थर को जल्दी से ढूंढते हैं और कल्टी होते हैं भाई यहाँ से। अच्छा अभी भी देख रहे हो कितने सारे जानवर है जिनको अभी तक टेम नहीं किया है। अच्छा अच्छा ये जो वेंजर स्टैंडिंग स्टोन है ना उसको एग्जामिन करना है। फिर देखो यहाँ पर भाई रात जैसे ऐसी होगी, ये लोग मुझे यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। चलो ये ठीक है भाई, ये केव लायन मेरे साथ घूमेगा ना तो कोई दूसरा जानवर हमला करने की सोचेगा नहीं। अगर सेबर टूथ हुआ तो अलग बात है, लेकिन सेबर टूथ उतना नजर नहीं आता है, अभी तक तो नजर नहीं आया है। तो टकार का कहना है कि ब्लड ऑफ उरूस रात में छुप जाता है और नजर नहीं आता है, लेकिन ठीक है चलो इन सबको साफ कर देते हैं और ट्राई करते, हो सकता है कि रात में भी दिख जाए, क्या पता। तो जितने एंगल थे सबसे देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात में आई थिंक के ब्लड ऑफ उरूस नजर नहीं आएगा ना। तो टकार का कहना है कि बहुत सारे पौधे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे एक और पत्थर है इसमें से भी झांक के देखो क्या। तो ये बात कंफर्म हो गई कि रात में तो ब्लड ऑफ उरूस नहीं मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं सोते हैं और दिन कर देते हैं, ये गेम में मैं पहली बार सोने जा रहा हूँ। केव लायन ऐसा है ना कि गार्डिंग करते रहना, ऐसा नहीं कि सुबह उठे टकार और इसका नाश्ता बन चुका रहा है। चलो चलो सुबह हो गई है, अब ब्लड ऑफ उरूस मिल ही जाना वरना वो वोगा द क्राफ्टर सुसु आदमी बोलना बंद नहीं करेगा। हाँ सर उरूसिस। तो वो जो पत्थर है उसकी चमक नजर आ गई है, बस उसको फॉलो करना है, वो जो रोशनी नजर आ रही है। जो फार क्राई के बहुत सारे गेम बहुत लंबे लंबे, लेकिन ये गेम आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा नहीं है।
मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे का है अगर साइड ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं करूंगा तो। अगर वो भी करता हूं तो मुझे लगता है कि 14-15 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है ना कि उस पहाड़ के ऊपर दिखा रहा है कि उस पहाड़ के ऊपर है वो पत्थर। ये क्या करने लगा भाई, लड़ना मत किसी से, आ जा। ये लोग आपस ही में लड़ने लगते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए कोई ग्रैपलिंग हुक भी नहीं दिख रहा है, घूम के ही जाना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों गेम कैसा लग रहा है कि मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस घूम के आ रहा हूँ ताकि आसानी से चढ़ सकूं। शेरू ऐसा है ना कि साथ में घूमा कर, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर। जितने छोटे मोटे जानवर है ना वो सब भी हमला करने लगते हैं। मुझे पता होना चाहिए था कि इस पत्थर की रखवाली और कोई नहीं, यही उदम वॉरियर्स करते होंगे। तो ऐसा है ना कि इनसे लड़ने से ज्यादा जरूरी यहां से पत्थर लेके निकलना। एक पत्थर मुझे नीचे नजर आ रहा है, बस पत्थर लेंगे और निकलते बनेंगे भाई यहां से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पर। अच्छा, नीचे और भी उद्धम वॉरियर्स है और नीचे ही पत्थर हैं और सारे, तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। चलो भाई, दो हो गया, दो और बचा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इनको मार दे दो, इनको ये जो भी कर रहे करने दो भाई, अपन पत्थर लेके निकलेंगे यहां से। तो क्योंकि चार पत्थर उठा लिए इसकी, बोगा द क्राफ्टर ने विलेज ज्वाइन कर लिया है, तो यहां से निकला जाए। इनके साथ टाइम पास करने से क्या फायदा। बस बस, ऑलमोस्ट यहां से निकल ही गए। एक दो आदमी और पीछे पड़े हुए तो उनको भी मार ही देते हैं। तो अभी तक दो स्पेशलिस्ट से मिल चुके हैं और दोनों को ज्वाइन करवा लिया है विलेज। जो तीसरा उसे भी मिल लेते हैं, लेकिन रास्ते में एक और कोई वेंजा को कैद करके ले जा रहे उद्धम वॉरियर्स, उसको भी बचा ही लेते हैं। एक मिनट, ये तो अकेले खड़ा हो भाई, तेरे जो गार्ड्स थे वो कहाँ हैं? अच्छा, वो आगे चले गए। शेरू जाके मार उसको। तो चलो फिर तीसरे स्पेशलिस्ट को भी ज्वाइन करवा ही लेते हैं और ये काम फाइनली आज खत्म ही करते हैं। कितना दूर है यहां से, एक इवेंट भी है यहाँ पर, साइड ऑब्जेक्टिव इतने लेने गया। मैं देखता हूँ कि यहाँ से, अच्छा ज्यादा दूर नहीं है, बगल ही में। अच्छा, उसके बाद एक और स्पेशलिस्ट है भाई, चार स्पेशलिस्ट थे, सॉरी मुझे लग रहा था कि तीन थे। तो
तो चलो एटलीस्ट एक और से मिल लेते हैं चलकर, ज्यादा दूर नहीं है, बगल ही में। अच्छा एक चीज मैं आजकल डेली कमेंट्स में देख रहा हूँ कि भाई GTA 5 खेलने बोल रहे हो, भाई क्या खेलोगे उसमें, बचा क्या, मतलब स्टोरी खत्म ही हो गई है। और जो मुझे लगता है कि मॉड वाला चीज है वो तो सब बनाते ही, फिर उसमें अलग क्या है, सब तो मतलब अपनी कहानी कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। और मैंने एक्चुअली सोचा भी था कि GTA 5 में खेलूंगा, लेकिन स्टोरी उसमें खत्म हो ही गई है और 5 करोड़ बार लोगों ने देख भी ली है, तो फिर उसमें कुछ मेरे लिए बचा नहीं है खेलने के लिए। देखते हैं जब GTA 6 का रिलीज डेट अनाउंस हो जाएगा ना, तो एक बार फिर से स्टोरी खेला जाएगा, अभी नहीं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऐसे भी गेम आएगा। मैं जानता हूँ कि इंडिया में GTA 5 सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मैं भी खेलने लगा ना तो सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन पता है मेरा मानना है कि भाई और भी गेम्स हैं दुनिया में, तो उनको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। तो रास्ते में ये उद्धम वॉरियर्स के आउटपोस्ट पड़ गए, लेकिन इनसे पंगा नहीं लेना, मैं जा रहा हूँ भाई अपना वो जो स्पेशलिस्ट है उससे मिलने। अच्छा आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे कभी खेलना चाहिए GTA 5 या नहीं। अच्छा अभी तक 2 स्पेशलिस्ट से मिले और दोनों से मुलाकात अच्छी नहीं हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छी नहीं हुई। अब मुझे ये देखना है कि तीसरा वाला अच्छे से मिलता है या ये भी कुछ 3-5 करता है। मैंने एक बात नोटिस की कि कहीं कहीं पे म्यूजिक इतना अच्छा दिया है ना कि आदमी को जोश आ जाए, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तब ऐसा म्यूजिक देने का क्या जरूरत है। तो ये आदमी का मैंने नाम नहीं देखा, पता नहीं ये आदमी का नाम क्या था, कोई बात नहीं अभी मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे। तो इस वेंजा का नाम है करूज द वॉरियर, और इनको भी अपने विलेज को ज्वाइन करवाना है। और उसके साथी ने बोला कि देखो मेरे भाई थोड़ा संभल कर, आसपास ना उद्धम वॉरियर्स है, तो जो वेंजा लड़ रहा है तुम उसकी मदद करोगी क्या? ऑब्वियसली मदद करेंगे क्योंकि उनको ज्वाइन करवाना है ना। और ये वॉरियर अपने को अच्छे स्किल सिखाएंगे फाइट करने के लिए, और मेरे स्पीयर को इम्प्रूव करवाएंगे, मतलब भाले को। तो करुष की मदद कर दी, वो विलेज चलेगा। बाल्टी याद आता, ये क्या है भाई, कोई ढंग से नहीं मिलता है क्या इस दुनिया में? दाविंजा मुकारुष ब्रास्टार हाजमास उदम वारवानम मग मग में फकुई ही नच्चा नू मी सुष्णु मग मी सुष्णु हुगवान। तो ये करुष बता रहे कि उद्धम का कोई वॉरियर है मॉग, जिसने इनकी एक आंख फोड़ दी और इनके बेटे को मार दिया। मग गुवान मस श्राश इंप्रास्टर ऊना चुबा दुश्मा दागवा मस दुश्मा मग श्वादा सिम गुवान मस
तो करुष को टकार ने हिम्मत दी कि हम लोग मॉक को मारेंगे, और इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, जो ये उत्तम वॉरियर्स मरे हुए ना उनकी लाश को जला देते, क्योंकि इस धुएं को देखकर मॉक समझ जाएगा कि हम उसको मारने आ रहे हैं। नी, नी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो लाशों का ढेर जल रहा है उत्तम वॉरियर्स का, उसमें मुझे 3 लाशें और लाके डालनी है। बस बस, 2 और बॉडीज उठा के चलाना है, अपना काम खत्म। अच्छा, करुष की हेल्थ भी देखती रहनी है, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ खत्म होगी तभी ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। ये करुष क्या पगला रहा है, कोई आ रहा है क्या? मॉक नाम के आदमी को देखते रहो, आया कि नहीं आया। एक मिनट, ये अभी भी 2 बॉडीज लिखा भाई, 3 मैंने फेंका तो था, तीसरा वाला वो काउंट नहीं हुआ क्या? आई थिंक वो काउंट नहीं हुआ है, मुझे तो याद आ रहा है मैंने फेंका था। एक और बॉडी को फेंकना होगा लाकर। शेर खाना बंद कर दो भाई, इसको फेंकना है। बताओ अब जाके 3 हुआ है। बस ये मॉग आ जाए, उससे ये करुष अपना बदला ले ले मार के, और फिर ये अपने गांव चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो उत्तम वॉरियर्स आ रहे हैं उनको मारना है, लेकिन इनमें से कोई मॉक नहीं है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि करुष को बहुत मजा आ रहा है इनको मारकर। ए भाई तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो ना, इतना धीरे धीरे आओगे। मतलब अगर आना ही था तो सब एक साथ आ जाते, ज्यादा खतरनाक होता। एक एक करके आ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू का। तो आई थिंक ये सारे खत्म हो गए, अब क्या? करुष विलेज ज्वाइन करोगी क्या? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कटसीन के टाइम पे ग्लिच हो गया है थोड़ा सा? ठाकुर भाई मी बार्ता विंजरा नार्तर लजर्श सु विंजयाउ दादाचाया कुंबाउदा छोटा ही सा कटसीन था, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे करुष ने बोला है कि वो वेंजा को लड़ना सिखाएंगे और गांव में मैं इनसे आके मिलूं। ये भी जा रहे हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है गांव को। फाइनली 3 आदमियों को ज्वाइन करवा लिया है, लेकिन अभी भी एक स्पेशलिस्ट बाकी है, उससे भी मिलेंगे। लेकिन आई
थिंक कि आज का एपिसोड इतना काफी है कि नहीं। तो फिलहाल भी चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, और भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, 7 के लाइक्स ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना, और इसी तरह बस इसका कल भी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा जल्दी से। चलो मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।